सुख निरोगी काया, हर किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। नमस्कार, स्वास्थ्य मंत्रा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर टीपी सिंह। नमस्कार, स्वास्थ्य मंत्रा में आपका स्वागत है। आजकल वायरल फीवर जो बढ़ रहा है उससे रिलेटेड कुछ जानकारी हमारे अक्षरवाइज दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आजकल जो वायरल फीवर चल रहा है ये संक्रमित बुखार होता है। ये मच्छरों के से गंदे पानी इकट्ठा होने से, जो खुली चीज़ें होती है खाने से, इन्हीं सारी चीज़ों से होता है। इसको बचाना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए खुली नाली न हो, अगर खुली नाली है तो उसमें केरोसिन का छिड़काव करते हैं, बचाव उससे होता है। सर, इसके कारण क्या है? इसके कारण एपिडेमिक होता है। अच्छा, एपिडेमिक होता है और इसके वायरस होते हैं। एपिडेमिक मतलब होता है कि ये छुआछूत से, छूने से भी हो जाता है। बगल में बैठे हैं, अगर कोई आदमी खांस रहा है या उसको नोजी वगैरह आ रही है तो उसको बचा कर रखना चाहिए, तो अगले को हो जाता है। इसीलिए ये इसके कारण यही है, एपिडेमिक कारण है वायरल फीवर। सब बच्चों में आजकल बहुत तेज़ी से वायरल फीवर बढ़ रहा है, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा के रखें? पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मच्छरों से दूर रखने की कोशिश करें। इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, खुले में बच्चों को न रखें, बच्चों के शरीर को ढक के रखें, अगल बगल गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने दें। अगर घर में जो टायर वायर रखे होते हैं, इसमें मलेरिया इसके सारे कीटाणु इकट्ठा होते हैं, उनको सबको पानी उसमें न रखने दें। कूलर का पानी हफ्ते में कम से कम 2 बार बदलें। ये सारे बचाव के तरीके हैं। तो सर, इससे बचने के उपाय क्या हैं, कैसे बचें? आजकल गंदगी इतनी बढ़ चुकी है, तो आप क्या मतलब हमारे दर्शकों को सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे वो बीमारी से बचें? खुले में शौच न जाएं, पानी को उबाल के पिएं, ठंडा करके उबाल के रखें, ठंडा करके पानी पिएं, पानी को ढक के रखें, अगल बगल पानी इकट्ठा ना होने दें। घर के पुराने टायर पड़े होते हैं, पुराने बर्तन पड़े होते हैं, उसमें सब पानी इकट्ठा होता है। इसको सबको खाली करें, गमलों को सफाई रखें और कूलर को कम से कम 2 बार हफ्ते में कम से कम 2 बार पानी बदलें उसका। आज हम लोग इस बीमारी के बारे में जाने हैं, वायरल कैसे आता है, इसकी समस्या के बारे में जाना है हमने। अक्षरा वाइस की टीम की तरफ से धन्यवाद। तो अभी आपने सुना डॉक्टर टीपी सिंह को, अब आगे की जानकारी लेते हैं डॉक्टर आमिर जमाल जी से। आजकल हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वो डेंगू फीवर को फेस कर रहे हैं। डेंगू फीवर एक मच्छर जिसका नाम है एडीज इजिप्टाई, उसके कारणवश होता है। और ये मच्छर, सबसे ख़ास बात इसकी है कि ये दिन में काटता है और ये बहुत ऊंचान तक उड़ नहीं सकता। ये किसी भी पेशेंट के सिर्फ नी तक ही उड़ पाता है, लेकिन इसके काटने से मरीज़ को डेंगू फीवर हो सकता है। डेंगू फीवर के जो मेन लक्षण हैं, इसमें उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होगा, बुखार आएगा, नौजिया फीलिंग होगी, वोमिटिंग होगी, बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं, फीवर किसी तरह कम नहीं होता और मरीज़ का प्लेटलेट कम होने लगता है। सबसे ख़ास बात इस फीवर की ये है कि इसका अभी तक पर्टिकुलर कोई ना तो वैक्सीन बन पाई है, ना ही कोई ऐसा इलाज मौजूद है जिसके करने से पेशेंट में रिलीफ हो सके। इसमें ज़्यादातर हम लोग अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट दे पाते हैं, जैसे कि पेशेंट को फीवर है तो फीवर में ज़्यादातर हम उसको पैरासीटामोल और कोई भी सेफ्ट्रेक्सोन या एंटीबायोटिक दे करके ही इसको फीवर को कंट्रोल कर पाते हैं। इस मच्छर की खासियत होती है ये साफ़ पानी में पाया जाता है। ये स्टेगनेंट वाटर, जो भी साफ पानी है उसमें होता है, किसी भी गंदे पानी नाले इस तरह की जगहों पर ये नहीं पाया जाता। ये हमारे घरों के कूलर हैं, गमले हैं और जो बाल्टियाँ जिसमें पानी काफ़ी दिनों से भरा रखा रहता है, ये मच्छर की पैदाइश उन्हीं इस साफ़ पानी में होती है। इस मच्छर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये साफ़ पानी में होता है। इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ा प्रिवेंशन ये है कि हमें और आपको और अपने बच्चों को फुल आस्तीन की शर्ट्स पहनाने चाहिए, मोज़े जूते पहनाने चाहिए, कोई भी अंग खुला ना रखें। दूसरा, घर में दिन के वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या किसी भी तरह का ऑल आउट या कोई भी ऐसा हिट वगैरह करके मच्छरों को अपने घर से दूर रखें। पानी को कहीं पर भी कलेक्ट ना होने दें। अगर हमारे कूलर का काम ख़त्म हो गया है तो उसका पानी हमें बाहर गिरा देना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर ज़्यादातर साफ पानी में ही पैदा होते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि डेंगू फीवर ज़्यादातर मौसम के बदलने के वक्त ही होता है। जैसे कि गर्मी से हम जब सर्दी की तरफ जाते हैं तो बारिश का जो मौसम होता है, इसी बारिश का ही पानी तमाम साफ गड्ढों में लॉगिन होता है।
और तभी डेंगू के मच्छरों के लार्वा की पैदाइश होती है, जो कि बड़े होकर के लोगों को काटते हैं और डेंगू फीवर फैलता है। इसीलिए ज़्यादातर ये बारिश के ही मौसम में इस बीमारी की शुरुआत होती है। अक्सर करके अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक डेंगू फीवर का ख़तरा बना रहता है। जहाँ ये टेम्परेचर डाउन होने लगता है वहाँ डेंगू फीवर का ख़तरा कम होने लगता है। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना है वायरल और डेंगू से बचने के उपाय के बारे में। ऐसे ही बने रहिए हमारे कार्यक्रम में स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।